पैगंबर इस्लाम के घराने पर मजालिम की याद में मजालिस अज़ा और जुलूस शबी अलम व ताबूत और जुलजना का सिलसिला आज इख्तिताम पजीर हो गया है। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चुप ताजिए के जुलूस बरामद किए गए। कराची में कसरे मुसैब इमाम बारगाह में मजलिस अज़ा हुई, जिससे खिताब में मौलाना कुमैल महदवी ने बताया कि ये दीन नबी आखिरुल ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी बीबी फातमा सलामुल्लाह अलैहा और बीबी फातमा के शौहर हज़रत अली के घराने के चश्मो चिराग बुझाए जाने के गम का मौका है। नबी के जदाजात भाई हज़रत अली अलैहिस्सलाम और बीबी फातमा सलामुल्लाह अलैहा के बेटे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल से जो इमामत का सिलसिला आगे बढ़ा था, इसमें 11वें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें फ़ौज वक्त ने शहीद करके उनका लाशा घर भेजा था। तो घर में सिर्फ दो खवातीन बीबी नरजिस और बीबी हकीमा थीं। इमाम के कमसिन बेटे जो इमाम वक्त भी हैं वो मौजूद थे। अपनी वालिदा मोहतरमा और फूफी के पर्दे की खातिर 12वें इमाम इस दुख पर भी खामोशी इख्तियार किए रहे थे। ये ऐसा जनाजा था जिसे उठाने के लिए लोग ना थे, और इसीलिए आज के जुलूस को चुप ताजिए का जुलूस कहा जाता है। मजलिस के अख्तिताम पर जुलूस बरामद किया गया, जिसके बाद शोक का सिलसिला अगले बरस तक के लिए बढ़ा दिया गया।